So the recent mega success of Tufan, हमें पता चल गया मार्केट में शाकिब खान, मेगा स्टार शाकिब खान is going to work a lot. Yes. और यहाँ पे you know टॉलीवुड के साथ ढालीवुड का एक प्रॉपर एक कोलैबोरेशन बनने वाला है. Yes. क्योंकि वो तो कई सालों से शाकिब खान कर ही रहे हैं टॉलीवुड के साथ एक कोलैबोरेशन, लेकिन नाउ द कोलैबोरेशन इज गोइंग टू एक्सटेंड क्योंकि उनकी अपकमिंग एक और रिलीज है जो बहुत जल्द आने वाली है. इसके बारे में भी बहुत ही ज्यादा हाइप है, स्टार्टिंग फ्रॉम बांग्लादेश टू कोलकाता इन इंडिया, और लोग पागल पड़े हुए हैं गाइज. और आई एम श्योर दैट दिस फिल्म इज आल्सो गोइंग टू बी अ बिग हिट. ये बेसिकली टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियल टीजर फॉर दोरोद. यस गाइज, इस फिल्म में हमने ये सुना है कि ये तो पहले जैसे रिदान ने बताया कि यहाँ पे बंगाली फिल्म इंडस्ट्री और बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री एक साथ फिर से उनकी एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रही है. पर यहाँ पे एक नई बात यह है कि यहाँ पे हमें एक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी नजर आएंगी. उनका नाम है, हम सबको पता है कि सोनल चौहान. शी हैज बीन इन जन्नत और कई और सारी बॉलीवुड फिल्म्स में उन्होंने काम किया है. साउथ में भी वो काम कर चुकी है एंड शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस. बहुत बढ़िया उम्दा अदाकारा है. सो दौलत के बारे में बहुत सारे रूमर्स, स्पेकुलेशंस, बहुत सारी बातें हो रही थी इंटरनेट पे, पर अब जाके उसका टीजर आ चुका है. And without wasting any moment, let's react on the teaser. पर अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और YouTube नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कीजिए ताकि हमारे चैनल से जितने भी वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे. So without wasting any moment, let's. ठीक है तुम दोनों भैया. Super. Raul did, yeah. Oh. What? Split personality. थोड़ा सा ग्रे है उनका कैरेक्टर. पायल सरकार, राजेश शर्मा. वाओ. यहाँ पे कोई स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऐसा कुछ या Wow, nice. Interesting. Interesting. So guys, we reacted on the official teaser for Dorod. और यहाँ पे शाकिब खान के स्प्लिट पर्सनालिटी वाले कैरेक्टर को हमें देखने का मौका मिला. This story is really very good. मैं एक तरफ से ये भी कहना चाहता हूँ कि तूफान एक अलग कैटेगरी की फिल्म है और दोरोद absolutely different than what Tufan is, लेकिन एक नॉच ऊपर है दोरोद. Yes guys. When it comes to acting. Yes guys. वो ठीक है, वो गैंगस्टर वाला रोल करना and everything. It is wonderful. It's a real life story के ऊपर बेस्ड किया हुआ है तूफान. लेकिन when we talk about दोरोद, यहाँ पे उसमें वो जो you get to see that characteristics of a person who has got a split personality disorder. Yes guys. और हमें नहीं पता कि हमें split personality है. हम guess कर रहे हैं. पर यहाँ पे ये teaser काफी intriguing था और काफी एंगेजिंग मुझे लगा. और ये टीजर जिस तरह से बनाया गया है, आपको इसके स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता. Yeah. पर हाँ, आपको एज अ फैन, एज अ ऑडियंस काफी एंगेज करता है. और यहाँ पे इस टीजर में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे एक्टर्स हमने यहाँ पे देखे, पर right. ये एक टीजर है और जैसे कि हमारे चैनल का एक दस्तूर है कि हम लोग टीजर में ज्यादा डिस्कशन right. नहीं करते हैं. पर जो भी है काफी अच्छा है. और जो यहाँ पे हमने देखा वो एक साइकिक वाला एक वाइब आता है. कैरेक्टर जो स्प्लिट पर्सनालिटी से शायद सफर कर रहा हो या ना हो, या फिर इसका कोई दूसरा पहलू हो, क्या उनका कोई अलग पास्ट हो, डार्क पास्ट हो, ऐसा हो सकता है. सो अभी से ये मतलब ये सब एक स्पेकुलेशन है क्योंकि टीजर वैसे ही एडिट किया गया है कि आपको कुछ पता ना चले. यहाँ पे उनके किरदार का जो यहाँ पे शाकिब खान को एक बहुत बढ़िया एक बीजीएम इस फिल्म में उनके लिए बनाया गया है. yes. एक जो बीजीएम हो रहा है मुझे बहुत बढ़िया लगा. यस. और द एंटायर बीजीएम वाज वंडरफुल. और म्यूजिक मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया होगा. एडिटिंग और जैसे इस फिल्म को शूट किया गया है बहुत बहुत उम्दा लग रहा है ये फिल्म और मुझे इस फिल्म से बहुत ही ज्यादा आशा है। मुझे पता है कि शाकिब खान सर के फैंस बहुत लोग जो हमें बहुत सारी बातें कहेंगे। जैसे तूफान के ट्रेलर के ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन दिया, जब हमने टीजर के ऊपर रिएक्शन दिया एक भाई ने हमें ये बताया कि आप लोग गलत हो, ये सुब्रतो बाइन की कहानी के ऊपर है। जब हमने वो कहा ट्रेलर के रिएक्शन पे तो कोई और भाई आके बोलते हैं कि नहीं ये सुब्रतो बाइन के स्टोरी के ऊपर नहीं है। सो फर्स्ट यू हैव टू क्लियर, हमें इस चीज के बारे में कुछ पता नहीं था। हम लोग आपके ऊपर आशा करके बैठे थे कि आप हमें फीडबैक देंगे, आप हमें एजुकेट करेंगे। इसलिए हम हमारे व्यूअर्स को कहते हैं कि हम कोई यहाँ पे प्रोफेशनल ऐसे कोई नहीं है जो फिल्म के बारे में सब कुछ जानते हैं। आप भी रिसर्च करते हैं आपके बताने के बाद ही हमें पता चला कि सुब्रतो बाइन के लाइफ के ऊपर है। और पता नहीं वो है भी या नहीं, क्योंकि एक दो आप में से कुछ ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कहा है कि ये गलत है। तो आप हमें बताइए करेक्टली, कोई आके हमें बता दीजिए। इसका रिएक्शन जो हम दे रहे हैं दौरोद का जो टीजर का रिएक्शन होगा वहां पे आप हमें आके बता दीजिए कि क्या हम सही है या गलत है। यस और स्पेशली आप ये भी बता सकते हैं कि इस फिल्म का स्टोरी लाइन क्या है या फिर इस फिल्म की जो कहानी, एंटिसिपेशन तो बनाना चाहिए। लेकिन दौरोद के बारे में अगर बात करें गाइज, ये तूफान से भी 100 गुना और ये काफी अच्छी बात है ना कि रिसेंटली एक सुपरस्टार की फिल्म पैन इंडिया रिलीज हो रही है, फिर और एक फिल्म उसके रिलीज के एक दिन बाद उसका टीजर आता है। यही मैं कहने वाला था कि ये साल है शाकिब खान का। दिस ईयर इज फॉर शाकिब खान। यस गाइस, तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल टीजर ऑफ दौरोद। आपकी क्या राय है इस टीजर के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, शाकिब खान के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कीजिए ताकि हमारे चैनल से जितने भी कंटेंट अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स है गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर हमें फॉलो कीजिए और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद।